तो मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ भी करते हैं ना वो प्लेजर के साथ करें, मतलब खुशी के साथ करें, दर्द के साथ नहीं। जो काम आपको मिला हुआ है करने के लिए, जो आप मान लीजिए ऑलरेडी किसी सेल में है मेहनत कर रहे हैं, या जहाँ जो आपका एरिया है काम करने का, या घर में भी जो काम करना है उसे मजबूरी समझ के नहीं करना है, इंजॉय के साथ करना है। जैसे मैंने देखा है बहुत बार कि गोल ग्राउंड पास मैंने देखा कि जैसे कुछ लोग जो एजेड एजेड लोग हैं उनको देखते हैं रोज जो है सुबह सुबह टहलने आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एकदम उस तरह से स्पोर्ट वाला ड्रेस पहने हुए और उस तरह टहलते हैं। तो मैंने पूछा है कुछ लोगों से कि अंकल जी आप सुबह सुबह मैंने देखा है रोज आप रोज टहलते हैं, क्यों टहलते हैं? तो कुछ लोग बोले क्या नहीं बाबू डॉक्टर बोला है इसलिए। क्या बोले? डॉक्टर बताया है कि टहलना है इसलिए। इसका मतलब क्या है? वो अगर नहीं टहलेंगे तो बीमार पड़ जाएगा। मतलब वो जो है वो जो काम कर रहे हैं मोटिवेटेड बाय पेन, मतलब दर्द से मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, मतलब हम बीमार ना पड़े इसलिए कर रहे हैं। तो मेरा कहना वैसे नहीं काम कर रहा है। अच्छा वही मैंने दूसरे लोगों से पूछा, अच्छा और भी चेक किया कि जब इनसे पूछ रहे हैं जो बोले कि डॉक्टर ने बोला इसलिए कर रहे हैं, तो चेहरे से देखने से लग रहा है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। सुबह उठने की इच्छा नहीं करती है, मैंने नहीं होता है, लेकिन उठाते हैं कोई 5 बजे उठी उठी जाइए टहलने के लिए, है ना। वही मैंने दूसरे को क्या देखा जो एकदम पूरा शरीर में चेहरा चमकता हुआ लग रहा है ना, जो एजेड उसी एज के हैं, उनसे मैंने पूछा कि अंकल जी आप मैंने रोज देखा है सुबह सुबह आप टहलते हैं, क्यों टहलते हैं? सुबह सुबह रोज आप आते हैं, रोज इंग्रो राउंड लगाते हैं, क्यों ऐसा रहते हैं? वो क्या बोले मालूम है कि बेटा इसलिए टहलते नहीं रहो, हमेशा एकदम फिट रह सके, एकदम हेल्दी रह सको। जब इस तरह से बोल रहे हैं तो ये सारे साल में बोल रहे हैं कि हम एकदम फिट रह सके, मतलब ही इज मोटिवेटेड बाय प्लेजर, मतलब प्लेजर से आनंद से मोटिवेटेड है। मेरा कहना है कि जब हमको काम करना ही है आनंद से करें, क्यों ना आनंद से करें, मजबूरी में ना करें, खुशी से ना, मतलब खुशी से करें, मजबूरी में नहीं करना है, खुशी से करें। और जितना खुशी से करेंगे उससे क्या होगा कि हैप्पीनेस हार्मोन हमारे बॉडी में निकलेगा, और हैप्पीनेस हार्मोन जो है ना हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। जितना हैप्पीनेस हार्मोन निकलेगा उतना ही हम खुश रहेंगे।